अगर आप कराची में रहते हैं और अगर आप मछली के शिकार के ताज़ा मछली के शौकीन हैं, तो हम आपको एक ऐसी जगह बताते हैं जनाब कि जो जहाँ पे आपको ये परवाह नहीं होगी कि यार ये मछली जो पता नहीं कब की पकड़ी हुई है, कब ताज़ा फ्रेश एकदम टिप टॉप चीज़ आपको फ्रेश वन किस्म की मछली फ्रेश वन पे हाजिर होगी जनाब। तो वो मछली मैंने जाके नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली, जो मेरे साथ खातून बैठी हैं ये पहुँच गई थी जी वहाँ जाके। बिल्कुल जी, मैंने उसकी खरीदारी की और क्या कुछ मैंने वहाँ पे देखा आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो बाखबर सवेरा के जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं और स्पेसिफिकली वो लोग जो कि मेरी तरह मछली खाने के बहुत ज़रा शौकीन हैं, लेकिन साथ में जनाब उनको थोड़ा बहुत मसला भी होता है मछली की खरीदो फरोख्त को भी लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मछली ख़रीदने का ढंग नहीं आता। बिल्कुल सही कह रही जनाब, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी मछली फ्रेश है और कौन सी मछली फ्रेश नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आई हूँ जहाँ पर एक ऐसी मछली मौजूद है जनाब जो कि आप ताज़ा भी अपनी आंखों के सामने पकड़ के उसको तैयार करवा सकते हैं। बात करी मैं तिलापिया फिश की और मैं आपको लेकर आई जनाब फ्रेश वन। आई नो आप इससे फेमिलियर हैं क्योंकि आप यहाँ से अपनी मुर्गियाँ भी जो घर में पकती हैं वो खरीदते हैं, बीफ खरीदते हैं, मटन खरीदते हैं जनाब, आज के बाद से आप यहाँ से फिश भी खरीदेंगे। हमारे साथ यहाँ पर शफीकुर्रहमान साहब मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रेश वन की, और तमाम तर जो हैवी किस्म की मालूमात है वो हमें शफीकुर्रहमान साहब भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा शफीकुर्रहमान साहब, ये जो मैं देख रही हूँ कि ऑर्गेनिक मछली, ना सिर्फ ऑर्गेनिक मछली, बड़े अच्छे तरीके से उसको ब्रीड करवाई जा रही है, उसकी फार्मिंग की जा रही है, जिसको सीड है वो भी बड़ा ऑर्गेनिक है, कौन कौन सी किस्म की तिलापिया हमारे पास मौजूद हैं? ये फिश जो है वो बिलोंग करती है थाईलैंड से, जो इसका ओरिजिन है बेसिकली थाईलैंड से, और हमारे पास इस वक्त दो इसकी वैराइटीज़ मौजूद हैं, एक रेड तिलापिया और दूसरी नाइल तिलापिया। और ये रिच ऑफ प्रोटीन है, इसमें जब 90 ग्राम्स का आप एक प्ले लेते हैं तो उसमें 26 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, ठीक है, और कैलोरीज जो है वो इसमें 110 मिलेंगी आपको और फैट जीरो होता है। कि यहाँ पे सिर्फ फ्रोजन मछली मौजूद नहीं है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो लाइव अपनी पसंद की आके जो अपने टू माई हार्ट कंटेंट में कैसे थी जो मुझे ये मछली चाहिए और मुझे ये निकलवानी तैयार करवानी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप फ्रेश वन के किसी भी आउटलेट पे जाके और लाइव फिश अपनी पसंद से निकाल के और उसको अपने सामने क्लीन एंड शेप करवा सकते हैं। ये बिल्कुल हाइजीन के ऊपर चलता है और ऑर्गेनिक फिश है, जो कि हमारा स्लोगन है कि हम ऑर्गेनिक के ऊपर काम करें। बेसिकली ये फिश ही हमने ऑर्गेनिक तैयार की है, इसकी फीडिंग ही ऑर्गेनिक हुई है, इसमें किसी किस्म का भी कोई वेस्ट मटेरियल या किसी गार्बेज से इसको यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में जब भी आप जहाँ भी देखते हैं, चाइना हो और बांग्लादेश हो, जहाँ भी हो, इसकी जो फीडिंग हो रही है वो बेसिकली सारी गार्बेज के ऊपर हो रही है। हमने जितनी भी फीडिंग की है, जो वर्किंग की है, वो सारी हमने इसकी ऑर्गेनिक फीडिंग के ऊपर की है। आप हमारे फार्म पे आओ, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल कंफर्म करेंगे कि हमारे पास क्या मौजूद है। हमारे रेशोज हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सारे हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये प्योर ऑर्गेनिक फीड के ऊपर है। चले, मैं चाहूँगी शफीकुर्रहमान साहब की मैं अपनी पसंद की यहाँ से मछली निकलवाऊँ और उसके बाद फिर आप बताइएगा कि इसको जो काटा पीटी कैसे इसकी होती है, जी ज़्यादा अच्छी टर्म में आप ही समझा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे ये वाली चाहिए। मछली तो पकड़ ली गई है और मछली को अब यहाँ पे रख भी दिया गया है, तो अब प्रॉपर किस तरीके से वो तैयार होगी ताकि ये आपके और मेरे घरों में जाके पक सके। आपके सामने मैंने मछली पसंद की, जो मैंने मछली पसंद की उन्होंने वही मछली पकड़ी और उसी मछली को तैयार करके जिसका मीट है वो जनाब मेरे पास बिल्कुल रेडी है, जो कि मैं अब घर लेके जा सकती हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ शफीकुर्रहमान साहब यहाँ पे नोट की है विच इज़ वेरी डिफरेंट। कहीं भी ऐसी जगह जाएँ जहाँ से मछली ख़रीदनी हो, वहाँ पर एक स्मेल होती है समहाउ। ये मछली मेरे सामने तैयार की गई, यहाँ पे मछलियाँ मेरे सामने थी, लोग लेके भी जा रहे थे, सामने फ्रोज़न मछलियाँ मेरे सामने मौजूद हैं, लेकिन वो स्मेल नहीं है यहाँ से। बिल्कुल एग्जैक्टली, देखें ये एक लाइव जो हमने आपको चैप्टर दिखाया, आपने लाइव फिश कैच किया और निकाल के अपने सामने उसको ट्रिम कराया, शेप कराया और अपने हिसाब से आर्टिकल बनवा लिया। बेसिकली जो हम परचेज करते हैं फ्रॉम ओवरऑल मार्केट, या जैसे कह रहे हैं जैसे हमारे पास फिशरी से मछली आती है, जो भी लॉन्चेस से फिशेज आती हैं वो बेसिकली 18 दिन की 20 दिन की फ्रोजन होती हैं ऑलरेडी, ठीक है, कुछ तो उनके अंदर ब्लड जो है वो क्लॉट हो चुका होता है, वो सारी जो स्मेल होती है बेसिकली वो उसी ब्लड की होती है, क्योंकि जैसी ये मछली फ्रेश निकले और उसी वक्त ट्रिम हो और उसका वेस्टेज आप खत्म कर दें तो फिर उसमें स्मेल नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्राइस रेंज इसकी क्या है? देखिए प्राइस रेंज जो है वो हमारे पास इसके 3 आर्टिकल्स हैं, लाइव आप ले रहे हैं तो वो हम 899 पर केजी दे रहे हैं, इसमें ग्रिल जो हमारा आर्टिकल है वो हम 999 पर केजी दे रहे हैं, और जिसमें हमारा प्लेट वाला आइटम है वो जो है वो हम 1099 पर केजी दे रहे हैं।
कोरोना के टाइम में हम घरों से निकलना अवॉइड कर रहे हैं और हमें हम तमाम तर चीज़ें जो है ख़वातीन स्पेसिफिकली वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं, तो इस मामले में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू ये जो फ़िश है ये ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले शफीक रहमान साहब मुझे ये बताएं, ये जो फिश इस वक्त हमें कराची में मिल रही है, ये हमें पाकिस्तान के दूसरे शहरों में कब तक दस्तयाब होगी? क्योंकि हम भी चाहेंगे कि वहाँ पे भी ऐसी मछली हो जो कि ऑर्गेनिकली जिसकी ब्रीडिंग करवाई जाए, उसको फार्म किया जाए और उनकी फीड भी ऐसे ऑर्गेनिक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑर्डर जो है वो नेशन वाइड आना शुरू हो चुके हैं और हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक में ही हम अपनी जो है वो नेशन वाइड जो है इसकी डिलीवरी स्टार्ट करें। लाहौर वाले मेरे से नाराज हो जाए कि भाई कराची वालों के लिए अच्छी खबर है और लाहौर वालों के लिए नहीं है? नहीं, हम अगर बिल्कुल डिमांड है और लोगों को हम किसी न किसी तरीके से बिल्कुल डिलीवर करवाएंगे इंशाल्लाह।